गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू वीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास ट्वेल्थ में डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि जब एक प्लेन वेव फ्रंट डब्ल्यू डब्ल्यू डैश स्लिट के ऊपर इंसिडेंट होता है तो वेव फ्रंट का जो अनब्लॉक पार्ट है उसके ऊपर जितने भी पार्टिकल है वो फ्रेश सोर्स का काम करेंगे और अपने में से दोबारा से वेवलेट इमिट करेंगे, और उन वेवलेट का जब सुपरपोज होगा स्क्रीन पे तो कहीं पे मैक्सिमा बनेगा कहीं पे मिनिमा बनेगा। ठीक है, उन्हीं की कंडीशन अपने को फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर अपन बात करेंगे सेंट्रल मैक्सिमम की, सेकेंडरी मिनिमा की और सेकेंडरी मैक्सिमा की। ठीक है, इनकी कंडीशन अपन फाइंड आउट करते हैं। और एक बात और, मैंने ए से जो रे निकल रही है, जो एक्सट्रीम रे है ए और बी से, इनके बीच का पार्ट डिफरेंस अपन ने फाइंड आउट कर लिया था, कितना आया था, ए साइन थीटा। तो पहले बात करते हैं सेंट्रल मैक्सिमा या मैक्सिमम की, फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो इसके अंदर आपको दिख रहा है कि जो ये अपनी स्लिट है, तो सेट है पैरल लाइट का, इस सेट की बात कर रहा हूं जो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है। इस सेट में जो ये रे है लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद सी पॉइंट पे मिल रही है, ऐसी इसी सेट की ये रे लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद सी पॉइंट पे मिल रही है। तो इस रे ने जितना पाथ कवर किया उतना ही पाथ इस रे ने कवर किया। ठीक है, तो दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना हो गया, जीरो हो गया। तो इस सेट में ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिससे लाइट, जिससे रे सेम पाथ कवर करके सी पॉइंट पे रीच करेगी। जैसे इस सेट को या इस स्लिट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक तो अपर पार्ट, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, एक तो कौन सा पार्ट हो गया बेटा, अपर पार्ट, एक हो गया लोअर पार्ट। ठीक है, तो अपर पार्ट में अपने को ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जिनके कोरस्पोंडिंग पॉइंट लोअर पार्ट में होंगे। जैसे कि ये पॉइंट अपन ले पी वन, और इसके इसका कोरस्पोंडिंग पॉइंट लोअर पार्ट में होगा पी टू ये। ठीक है, इनसे निकलने वाली वेव या रे सेम पाथ कवर करके सी पे पहुंचेगी। ठीक है, ऐसे ही इसके नीचे वाला पॉइंट और इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहां पे होगा, इनसे निकलने वाली रे सेम पाथ कवर करके सी पॉइंट पे पहुंचेगी। मतलब जितनी भी रे है उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना बेटा, जीरो है। ठीक है, और अगर पाथ डिफरेंस जीरो है तो कैसा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अपने को पता है जो इंटेंसिटी है वो अपने को मैक्सिमम मिलती है। ठीक है, तो इस पार्ट में जो ये सेट है, जो ये रे का सेट है, इसके अपर पार्ट में जितने भी पॉइंट्स है और इसके लोअर पार्ट में जितने भी पॉइंट्स है या पार्टिकल है, उनसे निकलने वाली जो रे है उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा बेटा, जीरो होगा, क्योंकि वो सेम पाथ कवर करके सी पॉइंट में मिलेगी। और सारी की सारी जो रे है इनसे निकलने वाली, अपर पार्ट से निकलने वाली और लोअर पार्ट से निकलने वाली, वो सारी की सारी रे सी पर रीएनफोर्स हो गई और अपने को यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। डिफ्रैक्शन में लगभग सारी की सारी रे सी पर इकट्ठी हो जाएगी और अपने को यहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, और इसी पॉइंट को अपन बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमम।